अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी आज हम काली उड़द की दाल बनाने जा रहे हैं, दाल मखनी। हम बाजार गए थे तो दाल मखनी के लिए हमने ये वहाँ से दाल लेकर आए हैं। इसको हमने ओवरनाइट भिगाए थे। एक्चुअली इसको 7 से 8 घंटा भिगाना पड़ता है। अगर ओवरनाइट भिगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और उसके साथ हमने ये चने की दाल, एक हैंडफुल चने की दाल भी, आप इसमें राजमा भी डाल सकते हो, लेकिन हमने चने की दाल डाला है। ये भी अच्छे से ये हो गया है और ये दाल भी। तो अभी मैं इसको गलने के लिए पानी डाल के रख दूंगी, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। ये मैंने 100 ग्राम्स काली दाल ली है उड़द की, तो हम इसमें डबल क्वांटिटी पानी डालेंगे क्योंकि इसको गलने में काफ़ी वक्त लगता है। तो उसी के साथ फ्लेवर के लिए मैं इसमें ये 2 तेज़ पत्ते डाल दूंगी और ये 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 6 काली मिर्च ये भी डाल दूंगी। नमक भी इसमें शामिल कर देंगे और पानी डबल डाल के इसको 5 से 7 विसल लगाएंगे और उसके बाद इसको अंदर ही वेपर में रखेंगे, इसका वेपर रिलीज नहीं करेंगे। तो अभी हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं। नमक हम हमारे टेस्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। यहाँ पे मैंने ये 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें पानी छोड़ दूँगी। ये 100 ग्राम्स दाल है तो लगभग इसमें डबल क्वांटिटी हम पानी छोड़ देंगे, थोड़ा और पानी छोड़ देंगे, पानी इसमें ज्यादा ही लगता है। और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी। ये यहां पे मैंने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मैक्सिमम 7 सीटी तो हम इसको देंगे ही, क्योंकि इतना वक्त इसमें लग ही जाता है, ये जल्दी गलती नहीं है, इसको थोड़ा वक्त लगता है। और इसको ओवरनाइट भिगा, 7 से 8 घंटा भीगना जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने नहीं भिगाया है और आपको जल्दी है तो आपको ज्यादा विसल देना पड़ेगी, और से 8-9 विसल देके फिर 15 मिनट आपको स्लो फ्लेम पे पकने रखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने कर दिया है, रात को ही भिगा दिया था, तो मैं इसमें सिर्फ 7 विसल ही दूंगी और फिर आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। बाकी के फ्लेवरिंग के सारे तमाम चीज़ें, बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 6 काली मिर्च डाल दिया है, नमक डाल दिया। अब मैं इसको कुकर में ढक्कन लगा के विसिल दे दूँगी। 7 विसिल्स के बाद आपको फिर नेक्स्ट बताते हैं। ये हमने 7 विसिल दे के इसको प्रेशर में ही रखा था, इसका प्रेशर रिलीज नहीं करा था। जब ये पूरा कूल डाउन हो गया तब हमने इसको ओपन किया है। ये देखिए, ये इस तरीके से गल चुकी है। आप चाहे तो इसको पूरा मैश कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी साबित रखते हैं। साबित रखने से बहुत अच्छा लगता है, चबाते जब हम मुंह में डालते हैं रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैश की हुई ऐसी साबुत दाल मुँह में घुल जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो हम सिर्फ थोड़ा सा ही इसको मैश करेंगे, ज़्यादा नहीं, और कुछ कुछ दाने हम इसके साबित ही रखेंगे और इसको हम फिर हटा देंगे, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, लगभग 2 टेबलस्पून तेल है, और उसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा घी भी छोड़ रही हूँ। घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हम घी और तेल दोनों को मिक्स कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम घी डालते हैं, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें प्याज डाल देंगे, तो इसे गर्म होने के लिए, ये गरम हो चुका है अच्छा खासा। यहाँ पे ये मैंने 2 बड़े प्याज को पीस के लिया है, ये अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। फ्लेम मीडियम कर दूंगी और ये इसमें शामिल कर दूंगी। फ्लेम इसके लिए मीडियम करना है क्योंकि ये प्याज
ना कच्ची है, तो जब हम इसको डालते हैं ना तो इसमें का जो पानी रिलीज होता है ना वो उड़ता है। इसके लिए ये देखिए उड़ा, इसके लिए हमने स्लो कर दिया है। पूरा ले लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे से चारों ओर से, और इसको पिंक होने तक सॉटे करते रहेंगे। फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और 5 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। ये प्याज को हमने अच्छी तरह भून के ब्राउन कर लिया है, तो अभी इसी पॉइंट पे मैं इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, सॉटे कर लूंगी, और उसी के साथ ये टमाटो की दो प्याज की प्यूरी बनाए थे और 2 टमाटो की प्यूरी बनाते हैं। ये 2 टमाटो को हमने प्यूरी बना लिया है, ये भी इसमें डाल के भून लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसी के साथ इसमें थोड़ी करी लीव्स और 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी है ये, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है, जीरा पाउडर भी होममेड है। यहाँ पे आप स्पाइसेस अपने फ्लेवर के, अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर। और ये 2 साबुत ग्रीन बुलेट चिलीज है, ये भी हम इसमें स्प्लिट करके शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करके शामिल कर दूंगी। ये तीखे नहीं रहते हैं मगर इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, इसके लिए हम ये इसमें डाल रहे हैं। इसमें तीखापन तो कम रहता है लेकिन जायका बहुत अच्छा रहता है। आप भी इसे डाल के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसे भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे अभी इसी पॉइंट पे, थोड़ा सा पानी डाल के देखो इसमें ऑयल रिलीज हो गया है, अच्छी तरह ऑयल रिलीज हो गया है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर दूंगी और दोबारा से इसे भून लूंगी। इसी पॉइंट पे मैं इसमें थोड़ी फ्रेश धनिया पत्ती कटी हुई धो के इसे हमने फ्रेश फाइनली चॉप किया है, ये भी शामिल कर दूंगी, भून लूंगी। अच्छी तरह भून लूंगी और अब मैं इसको 1 मिनट तक कवर करके पका लूंगी। तो अब हम इसको लेड लगा देंगे और 1 मिनट तक इसे पकने छोड़ देंगे। ये 1 मिनट हो गया है और ये अच्छी तरह गल चुका है। इसी पॉइंट पे मैं इसमें और थोड़ा नमक शामिल कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे कि हमने दाल को गलाने के वक्त भी नमक डाला है। प्रेशर कुकर में जब डाले थे दाल उस वक्त भी हमने नमक शामिल किया है, तो थोड़ा संभल के ध्यान से इसमें नमक डालूंगी। और ये कसूरी मेथी भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दिया और उसको क्रश कर दिया इस तरीके से, और ये भी हम डाल देंगे। ये हमारी होममेड कसूरी मेथी है, इसको भी मिक्स कर लूंगी। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें ये जो हमारी दाल है वो डाल देंगे, पूरी शामिल कर देंगे इसमें। और फ्लेम को अभी हाई कर देंगे,
पूरा लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी। ये जो स्पून में लगा है इसे भी ले लेंगे हम, वेस्ट नहीं करेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। इसी पॉइंट पे ये कुछ ज्यादा गाढ़ी है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा। आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं और इसमें एक बॉयल आने देते हैं। फ्लेम मैंने हाई पर ही रखा है अभी और मिक्स कर दिया है सब कुछ अच्छी तरीके से। इसमें एक बॉयल का इंतजार करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। इसमें बॉयल आ गया है अच्छी तरीके से, एक बार और चला देंगे। हमें बस इतना ही थिकनेस चाहिए तो हम इतनी ही गाढ़ी रखेंगे, आप अपने पसंद से रखिए। अब इसी में हम ये क्रीम भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा मैं रोक लूंगी, बाकी का क्रीम भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसे पकने देंगे अच्छी तरह। इसको मैं फिर से कवर करके स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी। तो मैं अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और फ्लेम गैस का मैं स्लो कर देती हूँ। 5 मिनट के बाद हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। गर्मा गर्म दाल मखनी हमारी तैयार है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की दाल मखनी को आप भूल जाएंगे। और ये हम इस पर थोड़ा सा क्रीम ड्रिजल कर देंगे। बिल्कुल लाजवाब रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी, रेस्टोरेंट की महंगी दाल मखनी की डिश को आप भूल जाएंगे आप इस तरीके से हमारे मेथड से बनाएंगे तो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो से आप कुछ सीखते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, राहत किचन को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो प्लीज़। और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को, राहत किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।